मेडागास्कर अविश्वसनीय रूप से विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। इसके 90% से अधिक वन्य जीवन पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं, जिनमें लीमर, गिरगिट और बाओबाब पेड़ शामिल हैं। मेडागास्कर अपने लीमर द्वीप के अद्वितीय प्राइमेट के लिए प्रसिद्ध है। लेमुर की 100 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें छोटे माउस लेमुर से लेकर बड़े इंद्री तक शामिल हैं। यह द्वीप अपने प्रतिष्ठित बाओबाब पेड़ों के लिए भी जाना जाता है, जो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और अपने तनों में हजारों लीटर पानी जमा कर सकते हैं। मेडागास्कर में अफ्रीकी, एशियाई और यूरोपीय परंपराओं से प्रभावित एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। मालागासी संस्कृति की विशेषता संगीत, नृत्य और अद्वितीय अनुष्ठान है। मालागासी मेडागास्कर की आधिकारिक भाषा है। द्वीप के औपनिवेशिक इतिहास के कारण फ्रेंच भी व्यापक रूप से बोली जाती है। मेडागास्कर दुनिया में वेनिला का अग्रणी उत्पादक है, जो वैश्विक वेनिला उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, जो हिंद महासागर में अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। द्वीप के विविध भूभाग में वर्षावन, शुष्क पर्णपाती वन, रेगिस्तान और मैंग्रोव दलदल शामिल हैं, जो इसकी उल्लेखनीय जैव विविधता में योगदान करते हैं। अपनी जैव विविधता के बावजूद मेडागास्कर को वनों की कटाई, निवास स्थान की हानि और प्रजातियों के विलुप्त होने सहित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लीमर सहित कई प्रजातियां मानवीय गतिविधियों के कारण लुप्त प्राय हैं। 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले मेडागास्कर को फ्रांसीसी और ब्रिटिश सहित विभिन्न शक्तियों द्वारा उपनिवेशित किया गया था। औपनिवेशिक प्रभाव अभी भी वास्तुकला, भोजन और भाषा में देखा जा सकता है।